हेलो एंड नमस्ते। आज घर बैठे बैठे नखील मॉल के नज़ारे। मैं निकी यूरिमोनियाज मिस्टर्स में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश है और खैरियत से है। तो चलिए नखील मॉल जाते हैं। दुबई नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर, वहाँ पे हम उतरे थे बस से एंड वहाँ से हमने टैक्सी बुक करी और हम निकल पड़े नखील मॉल की तरफ। उस बस स्टॉप से नखील मॉल तक वाले जो नज़ारे थे रोड के, बिल्डिंग्स के, स्ट्रक्चर्स के, वो बहुत ही लाजवाब थे। तो ये जो है वो पूरा वीडियो हमारे पास है, तो वो वाला वीडियो सेपरेटली मैं एक दिन डालूंगी हमारे चैनल पर, तो उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा था उस वीडियो को शूट करते वक्त। आप जुमैरा रीजन में ठहरे हो होटल में तो फिर आपको डिस्टेंस शायद इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ओल्ड दुबई, बर दुबई साइड में हो तो ज़रूर आपको डिस्टेंस महसूस होगा कि काफ़ी दूरी पर है ये पाम जुमैरा। तो नखील मॉल जो है वो पाम जुमैरा में सिचुएटेड है। शायद ये बात मैंने पहले भी कही हुई है व्यू एट द पाम वाले वीडियो में। तो लीजिए, हम पहुँच चुके हैं नखील मॉल। ये नखील मॉल की और एक बात बता दूँ, ये जो है वो पाम जुमैरा के सेंटर रीजन में लोकेटेड है, तो ये स्ट्रक्चर भी जो है वो समुंदर के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर है। नखील मॉल जो है वो 5 लेवल्स पर है, 300 शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही रेस्टोरेंट्स है और एंटरटेनमेंट के एक्टिविटीज़ भी कई सारे हैं। उसके अलावा एक 15 स्क्रीन का मूवी कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ पे, वोक सिनेमास का। सो दोस्तों, 15 स्क्रीन वोक सिनेमा कॉम्प्लेक्स, इजंट इट जस्ट वाओ। और एक स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे रूफटॉप डाइनिंग अवेलेबल है, तो नखील मॉल के रूफटॉप पर आप फाइन डाइनिंग कर सकते हो, एल्फ्रेस्को डाइनिंग इन शॉर्ट। तो एल्फ्रेस्को माने कि ओपन डाइनिंग, तो कई सारे क्विजींस, डिलाइटफुल क्विजींस आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो ओपन रूफटॉप जो डाइनिंग है नखील मॉल का, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे। नखील मॉल में आप टैक्सी और या फिर प्राइवेट कार के अलावा मोनोरेल भी कनेक्टेड है नखील मॉल में, तो मोनोरेल जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट लगता है क्योंकि डायरेक्टली आप वहाँ पे उतर के आ सकते हो, तो टैक्सी या कैब की तभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको गेटवे स्टेशन तक तो बस या फिर कैब से पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको अलाइट करके यहाँ पे बोर्ड करना है। और आपने दोस्तों हमारा पाम जुमैरा वाला वीडियो तो देखा होगा, तो फिर नखील मॉल पे हम आके यहाँ पे कनेक्टेड है जो व्यू एट द पाम जो बिल्डिंग है वो यहाँ से ही कनेक्टेड है, इसी का एक पार्ट है, तो वहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू जो है पाम जुमैरा आइलैंड का मिलता है। तो ये भी नखील मॉल की एक स्पेशलिटी है। ये जो नीचे ग्रीन कलर में जो रूफटॉप दिख रहा है ना, वही है नखील मॉल का डाइनिंग एरिया रूफटॉप वाला। तो अगर आप वहाँ पे डाइनिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इस शानदार व्यू के साथ आप मज़ेदार खाना एंजॉय कर सकते हो। वीकडे पर आने की वजह से शायद से क्राउड कम था, लेकिन सची में दुबई मॉल जो है या फिर मॉल ऑफ एमिरेट्स से जो है वो क्राउड थोड़ा कम ही लग रहा था नखील मॉल में, और काफ़ी ब्यूटीफुल है ये मॉल। मॉल भले ही लग्जोरियस है, काफ़ी पॉश है, लेकिन आपको फूड के मामले में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बजट वाले आउटलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। हमने जो है वो वेंडीज ट्राई किया था उस दिन पे, तो काफ़ी टेस्टी था। इवन हमने ऐसे छोटी सी शॉपिंग भी करी है, तो उसका फ़ोटो आपको आगे दिखेगा। आई होप आपको आज का हमारा नखील मॉल वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए बाहर जाते समय, और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। सी या।